हेलो गाइज, फाइनली इंडिया में टिकटॉक बैन हो चुका है। टिकटॉक बैन होने के बाद मैं देख रहा हूँ टिकटॉक यूजर जो है रोपोसो ऐप काफ़ी तेज़ी से डाउनलोड कर रहे हैं और इस्तेमाल कर रहे हैं और वीडियो अपलोड कर रहे हैं। आज के वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ रोपोसो ऐप किस प्रकार आप यूज कर सकते हैं, इस पर अकाउंट क्रिएट कैसे करना है, वीडियो अपलोड कैसे करना है और रोपोसो ऐप में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, लॉगिन प्रॉब्लम, वीडियो अपलोड करने में प्रॉब्लम, तो इस तरह के प्रॉब्लम को आप फिक्स कैसे करेंगे, इनके बारे में भी जानेंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट, रोपोसो ऐप से पैसे भी कमा सकते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले भाई का भी नाम जान लीजिए। मेरा नाम है शैलेंद्र, आप देख रहे हैं टेक्निकल शैलेंद्र। यूट्यूब चैनल पे पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। फाइनली गाइस, आ चुके हैं मोबाइल के होम स्क्रीन पे। तो यहाँ पे वीडियो को लास्ट तक देखना क्योंकि मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ आप लोगों को रोपोसो ऐप कैसे यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको प्ले स्टोर ओपन करना है, सर्च बार में सर्च कर लेना है रोपोसो ऐप। इसके बाद इस एप्लीकेशन को अपने मोबाइल फ़ोन में इंस्टॉल कर लेना है। मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुका हूँ तो इसे हम ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद कुछ इस टाइप का इंटरफेस देखने को मिल जाते हैं। तो सिंपल, सबसे पहले यहाँ पे आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी सारे लैंग्वेज देखने को मिल जाते हैं। तो बेसिकली मैं यहाँ पर लैंग्वेज इंग्लिश सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद यहाँ पर आपको राइट क्लिक कर देना है। इसके बाद जिस मोबाइल नंबर से अकाउंट क्रिएट करना है वो मोबाइल नंबर यहाँ पर टाइप कर देना है। तो मैंने मोबाइल नंबर टाइप कर दिया हूँ। इसके बाद सेंड ओटीपी पे क्लिक करना है। आपके मोबाइल फ़ोन पे 4 डिजिट का ओटीपी आएंगे, ओटीपी आपको फिल कर देना है। फिल करने के बाद इसके बाद यहाँ पे नेम टाइप करना है, वही नेम टाइप करेंगे जिसके नाम से आपको टिकटॉक अकाउंट, सॉरी गाइज, रोपोसो ऐप पे अकाउंट क्रिएट करना है। तो मैं सिंपल यहाँ पर टाइप कर देता हूँ टेक्निकल शैलेंद्र। इसके बाद सेलेक्ट एज, तो यहाँ पे आपको एज सेलेक्ट करना है। तो मैं आपको सिंपल 23 सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद यहाँ पे आपको जेंडर सेलेक्ट करना है, मेल फीमेल, तो सिंपल पहले मैं मेल सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद साइन अप पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करना है। लैंग्वेज सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते काफ़ी सारे लैंग्वेज सपोर्टेड है, तो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं इसे हम हिंदी सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद नेक्स्ट कर देते हैं। इसके बाद आपको कुछ इस टाइप का इंटरफेयर देखने को मिल जाते हैं। अब फाइनली आपका अकाउंट क्रिएट हो चुका है। इसके बाद यहाँ पे आपको शॉप पे करना है। फर्स्ट ऑफ यहाँ पे देख सकते हैं फॉर यू, जितने भी वीडियो वायरल हुए होते हैं तो यहाँ पे आपको फॉर यू पेज में वीडियो को देखने को मिल जाते हैं। जैसे कि यूट्यूब का ट्रेंडिंग सेक्शन होता है, वैसे रोपोसो ऐप में फॉर यू पेज का सेक्शन है। इसके बाद यहाँ पर देख सकते काफ़ी सारे ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। जैसे कि आप स्टेटस देखना चाह रहे थे, भक्ति सॉन्ग सुनना चाह रहे हैं, इसके बाद या फिर VFX वीडियो देखना चाह रहे हैं, या स्पोर्ट का न्यूज़ देखना चाह रहे हैं, यानी काफ़ी सारे यहाँ पे कैटेगरी दिया गया है। जो टिकटॉक जो एप्लीकेशन था उसमें वहाँ पे मिक्स था, यानी कि जैसे ही ओपन करेंगे तो सारा कंटेंट एक साथ ही देखने को मिल जाते हैं, लेकिन यहाँ पे अलग अलग कैटेगरी दिया गया हुआ है। यदि जो वीडियो पर अच्छे खासे लाइक्स एंड व्यूज आ रखे हैं वो वीडियो सिर्फ आपको फॉर यू पेज में दिखाएंगे। इसके बाद जब ओपन करेंगे तो कुछ इस टाइप का इंटरफेयर देखने को मिल जाते हैं। तो फर्स्ट में आपको, जैसे कि एक वीडियो को मैं प्ले करता हूँ, इसे मैं पॉज कर दिया हूँ। इसके बाद यहाँ पे फर्स्ट में आपको देखने को मिलता है लाइक, तो देख सकते हैं 179K के आसपास लाइक्स हैं। और इसके बाद यहाँ पर गिफ्ट अगर देना चाह रहे तो गिफ्ट भी यहाँ से दे सकते हैं, बट लेकिन यहाँ पर देख सकते कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, यानी कि पूरी तरह से वर्क नहीं कर रहा है, लेकिन ये प्रॉब्लम बहुत ही जल्द फिक्स कर दिया जाएगा। इसके बाद यहाँ पे इस वीडियो को यदि व्हाट्सएप पे शेयर करना चाह रहे थे, यहाँ से आप व्हाट्सएप पे भी शेयर कर सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे व्हाट्सएप ओपन हो चुका है। इसके बाद इसे हम बैक करते हैं। इस वीडियो को यदि डाउनलोड करना है तो यहाँ से आपको क्लिक करने के बाद डाउनलोड भी कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर फोर्थ नंबर पर एक ऑप्शन आता है कॉल अप, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, यूज दिस साउंड और सेकेंड में मिक्स कंटेंट। तो यूज दिस साउंड से फिर सेलेक्ट करने के बाद इस साउंड पर अपना वीडियो क्रिएट कर सकते हैं, और मिक्स साउंड पर आप जब क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप इस वीडियो के साथ ड्यूट कर सकते हैं। तो यहाँ से आप ड्यूट कर सकते हैं, लेकिन ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है क्योंकि इस सर्वर पे काफ़ी ज़्यादा लोड है इसके कारण, तो ये प्रॉब्लम भी फिक्स हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे देख भी सकते हैं इस वीडियो पे कितने व्यूज आए, तो यहाँ से व्यूज पे क्लिक करके आप ये भी देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इस वीडियो पर आप देख सकते हैं जैसे कि 1.5 मिलियन के आसपास व्यूज हैं। इसके बाद इसका प्रोफाइल यदि ओपन करना चाह रहे तो सिंपल यहाँ पे क्लिक करेंगे तो प्रोफाइल भी ओपन हो जाएंगे। तो यहाँ पर देख भी सकते हैं 4 लाख के आसपास फॉलोवर्स है। तो इस तरह से इस अकाउंट को आप ओपन कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है कैमरा का आइकन, तो यहाँ से क्या है आप वीडियो शूट कर सकते हैं या फिर वीडियो अपलोड कर सकते हैं। सिंपल मैं पहले यहाँ पे क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद कुछ इस टाइप का इंटरफेयर देखने को मिल जाते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ से आप चाहे तो डायरेक्ट यहाँ पे वीडियो शूट कर सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन मिल जाते हैं, पहले पे जैसे कि फ्रंट कैमरा करना है तो यहाँ से फ्रंट कर सकते हैं, यहाँ से बैक कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे क्लिक करते हैं
तो यहाँ पर देख सकते हैं ब्राइटनेस वगैरह कम बेस कर सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर ऑप्शन मिल जाते हैं। इसके बाद यहाँ पर कुछ फिल्टर है उपयोग कर सकते हैं। इसके बाद नीचे की तरफ यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है ड्रॉप एल्बम फोटो टाइमर्स। तो यहाँ पर जैसे वीडियो शूट करेंगे तो यदि टाइमर सेट करना है तो टाइमर भी सेट कर सकते हैं। और यहाँ पे कई सारे इफेक्ट भी मिल जाते हैं, मिल जाता है तो फिल्टर भी उपयोग कर सकते हैं। तो वीडियो शूट करने से पहले भी कर सकते हैं या फिर वीडियो शूट करने के बाद भी फिल्टर या इफेक्ट ऐड कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आता है एल्बम, एल्बम पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको गैलरी ओपन हो जाएंगी और जितने भी वीडियो आपको गैलरी में होंगे ये शो कर देगा। तो यहाँ से आप वीडियो सेलेक्ट करने के बाद अपलोड कर सकते हैं। सिंपल मैं एक वीडियो सेलेक्ट करता हूँ, सेलेक्ट करने के बाद डन करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे हमारा वीडियो सेलेक्ट हो चुका है। इसके बाद सिंपल यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद इसके बाद यहाँ पे आपको कैप्शन लिख सकते हैं। तो कैप्शन में क्या लिखना है, फर्स्ट ऑफ आपको लिखना है जिस वीडियो जो वीडियो आपने अपलोड किए है तो उस वीडियो के बारे में डाल देना है। इसके बाद सेकेंड में आपको जैसे कि हैशटैग वगैरह आप यूज कर सकते हैं, तो यहाँ पे आप हैशटैग यूज कर सकते हैं जैसे वायरल हो गया, ट्रेंडिंग हो गया, रोपोसो ऐप हो गया, इस तरह से आप हैशटैग यूज कर सकते हैं। इसके बाद इसे आपको यहाँ से पोस्ट कर देना है। तो यहाँ से वीडियो पोस्ट हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा है। कुछ टाइम पहले ये प्रॉब्लम आ रहा था लेकिन ये प्रॉब्लम को भी फिक्स कर दिया गया। इसके बाद इसे हम बैक करते हैं। इसके बाद यहाँ पे आता है जैसे कि देख सकते हैं टी एस पे क्लिक करेंगे। जैसे कि मैंने टेक्निकल सिलेंडर के नाम से अकाउंट बनाया था, यहाँ पर टी एस दिख रहा है तो यहाँ पे क्लिक करते हैं। सॉरी, इसे हम बैक कर लेते हैं। बैक करने के बाद कुछ इस टाइप का इंटरफेयर देखने को मिल जाते हैं। फर्स्ट ऑफ यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है क्रिएट, तो यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ से भी वीडियो क्रिएट कर सकते हैं या फिर शूट कर सकते हैं। इसके बाद इसे बैक करते हैं। यहाँ पे नोटिफिकेशन, तो जैसे कि यहाँ से नोटिफिकेशन चेक कर सकते हैं आपने जो वीडियो अपलोड की है उस वीडियो पर कितने लाइक्स आए हैं, कितने कमेंट आए हैं। इसके बाद इसे हम बैक करते हैं। यहाँ पे आपको आता है शेयर, तो यहाँ पे जैसे इस प्रोफाइल है जो प्रोफाइल को यदि व्हाट्सअप फेसबुक ट्विटर पे जो शेयर करना चाह रहे हैं तो डायरेक्ट यहाँ से भी शेयर कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आता है एक ऑप्शन मिल जाता है सेटिंग, सेटिंग पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं एडिट प्रोफाइल, यहाँ पर एडिट प्रोफाइल पर क्लिक कर सकते हैं। नाम हो गया कुछ, अगर इसमें अगर एक चेंज करना है तो चेंज भी कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे अबाउट में ऐड करना चाह रहे हैं कुछ तो यहाँ से अबाउट भी ऐड कर सकते हैं। इसके बाद जैसे कि फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम का लिंक ऐड करना चाह रहे हैं तो यहाँ से आप लिंक भी ऐड कर सकते हैं। आपको ट्विटर का भी आपको ऑप्शन मिल जाता है, ट्विटर का भी लिंक ऐड कर सकते हैं। इसके बाद इसे हम बैक करते हैं। बैक करने के बाद इसे आपको डीपी चेंज करना है तो सिंपल चेंज डीपी पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे दो ऑप्शन मिलता है, टैग फोटो, इसके बाद फॉर्म लाइब्रेरी। तो जैसे कि टैग फोटो पर अगर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट फोटो क्लिक कर सकते हैं। और इसके बाद सेकेंड में जैसे कि आपको गैलरी, अगर गैलरी में आपको फोटो है तो वहाँ से आपको सेलेक्ट कर सकते हैं। सिंपल जैसे सेलेक्ट किया हूँ तो गैलरी ओपन हो चुका है। किसी एक फ़ोटो को सेलेक्ट करता हूँ, इसके बाद अपने हिसाब से एडजस्ट करने के बाद यहाँ पे राइट क्लिक कर देना, ये फ़ोटो यहाँ पे आपको चेंज हो जाएंगे। तो इस तरह से आप डीपी भी चेंज कर सकते हैं। इसके बाद इसे हम सेटिंग पर क्लिक करते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाता है चेंज लैंग्वेज, प्ले एंड अर्न, इसके बाद चेंज वीडियो लैंग्वेज। तो इस तरह से आप चाहे तो चेंज लैंग्वेज भी कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे अकाउंट सेटिंग पे आते हैं तो यहाँ पे कुछ प्राइवेसी है, चेंज लैंग्वेज है, इसके तो बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे मिल जाते हैं। यदि इस अकाउंट को आपको लॉग आउट करना है तो यहाँ से आप लॉग आउट भी कर सकते हैं। इसे हम बैक करते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको देख सकते हैं यहाँ पर आपको प्रोफाइल का भी डीपी चेंज करना चाह रहे हैं, जैसे कि यूट्यूब में बैनर होता है उस तरह से यहाँ से भी चाहे तो चेंज कर सकते हैं। इसे हम बैक करते हैं। तो मैंने यहाँ पे लगभग यहाँ पे बता चुका इस एप्लीकेशन को कैसे यूज करना है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे रोपोसो ऐप से पैसे कैसे कमाते हैं। तो यहाँ से आप पैसे कमा सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कॉइन का ऑप्शन मिलता है, कॉइन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। तो इस तरह से यहाँ से पैसे कमा सकते हैं। तो इस टॉपिक पर मैंने एक नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा से आप रोपोसो ऐप से पैसे कैसे कमा सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद है लाइक करना, साथ ही साथ टेक्निकल सलन चैनल को सब्सक्राइब करना। यदि आप लोगों को किसी वीडियो का ट्यूटोरियल चाहिए तो हमारे इंस्टाग्राम पे वीडियो का लिंक सेंड कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।